तो मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा चैनल द नॉलेज स्कूल। आज हम इस वीडियो में BHU के एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि उसका नाम छोटे में लोग बोलते हैं HOA, और उसको अगर इलाबरेट करें तो उसका नाम हिस्ट्री ऑफ आर्ट है। सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा जाता है, कहाँ इसकी डिपार्टमेंट और क्लासेस चलती हैं, UG प्रोग्राम क्या होता है, PG प्रोग्राम क्या होता है, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। BA में तो ये कम्बाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से ये मिलता है, MA आप करेंगे इसका तो MA के लिए आपको स्पेसिफिकली एक सिलेबस चाहिए होगा। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में ये HOA का फर्स्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे और इसमें बात करेंगे कि ये क्या सब्जेक्ट है, ये स्टडी प्रोग्राम इसका ग्रेजुएशन में क्या है, हम कितना चीज़ जानेंगे अगर हम ग्रेजुएशन में आएंगे और इसको पढ़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे अपने साथ एक छात्रा को जो यहीं पढ़ती हैं और सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। मैं कैमरे के पीछे हो जाता हूं और कुछ क्वेश्चन आंसर की तरह बातें करेंगे, जैसे यही समझ लो कि जैसे आप फ़ोन के आगे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो समझ लेना कि फ़ोन के पीछे मैं कैमरे के पीछे खड़ा रहूंगा और वो कॉमन प्रश्न पूछूंगा जो कि पूछना चाहिए और एक सब्जेक्ट को जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपका नाम क्या है? ऋचा रानी। ऋचा रानी, आप किस फैकल्टी की छात्रा हैं? मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में कितने कम्बिनेशन लगभग आपको मिले हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका क्या है? अच्छा, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री ऑफ आर्ट जो ऑनर्स है, इसके बाद इंग्लिश, आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी, एवं एक कंपलसरी लैंग्वेज भी हमारा होता है जो फ्रेंच है। मेरा फ्रेंच है आपका? जी। तो ऑनर्स क्या होता है? ऑनर्स वो सब्जेक्ट होता है जो आपको, जैसे ग्रेजुएशन बोलेंगे कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो ऑनर्स सब्जेक्ट होता है वही आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है। बाकी सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, वो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ऑप्शनल, लेकिन जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है वही हमें थर्ड ईयर में पढ़ना होता है और उसी से हमारा कैरियर भी बेस्ड होता है। अच्छा, तो ये HOA जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका ऑनर्स है? जी। क्या पढ़ाया जाता है HOA में, टोटल क्या जानकारी दी जाती है ग्रेजुएशन में? HOA का सबसे पहले ग्रेजुएशन में जब कोई स्टूडेंट आता है तो उसे सबसे पहले HOA क्या है यही बताया जाता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता कि HOA कौन सा सब्जेक्ट है या क्या है। ऐसा होता है यहाँ कि बच्चों को प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के दौरान ये मिल जाता है, कोई इसको अक्सर लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसके बारे में जानकारी बहुत कम अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ से एडमिशन लेने के पहले क्या ऐसी कुछ जानकारी पता थी कि HOA टाइप का भी सब्जेक्ट कुछ पढ़ाया जाता है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, बस हाँ ये पता था, प्रेफरेंस में दिखता था कि HOA एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट ऐसे करके इसका फुल फॉर्म भी दिखाया जाता था, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है कुछ ऐसा समझ में नहीं आता, हिस्ट्री पढ़ना है इसमें या आर्ट्स पढ़ना है। एक ये भी कौन सा दिमाग में कन्फ्यूजन आता था कि ये सारा प्रोग्राम जो है वो आर्ट्स के अंतर्गत ही आता है, तो ये भी कन्फ्यूजन था कि आर्ट्स फैकल्टी के अंदर ये हिस्ट्री है जो हमें पास्ट के बारे बताता है या ये कला का इतिहास है, बहुत सारा कन्फ्यूजन था इससे पहले। और अच्छा, आपको नहीं पता था अपने सब्जेक्ट के बारे में कि HOA भी ऐसा कुछ सब्जेक्ट होता है, तो कैसे आपने ये अपना ऑनर्स चुन लिया और 3 साल इसको पढ़ भी लिया? बात ये है कि एक्चुअली मुझे हिस्ट्री चाहिए था, तो हिस्ट्री के लिए 2 ऑप्शन दिख रहा था, एक AIHC दिख रहा था और एक हिस्ट्री ऑफ आर्ट दिख रहा था। तो पहले तो कन्फ्यूजन था, कुछ क्लियर ही नहीं था कि AIHC क्या है और HOA क्या है, तो इसलिए प्रेफरेंस में हिस्ट्री को लेने के लिए ही हम HOA डाले थे या AIHC डाले थे, लेकिन उन सभी प्रेफरेंस के अंदर ही मुझे HOA मिल गया। HOA मिल गया, हाँ। क्या है ये चीज़ें, मतलब आप हमको स्टडी प्रोग्राम बताने वाली थी, क्या क्या सिलेबस कवर कराया जाता है ग्रेजुएशन के हिस्ट्री ऑफ आर्ट के एग्ज़ाम में BHU में? हिस्ट्री ऑफ आर्ट में जैसा मैंने पहले बताया कि मोस्टली बच्चे अवेयर ही नहीं होते हैं कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट है क्या, तो फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले हमें यही बताया जाता है कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट सब्जेक्ट क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या कैरियर है। यदि ये नहीं बताया जाएगा तो बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ने में, तो सबसे पहले ये बताया जाता है। फिर उसके बाद हमें पढ़ाया जाता है, स्टोन एज से ही स्टार्ट करवाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट में मोस्टली हिस्ट्री मतलब इतिहास और आर्ट मतलब कला, मतलब हिस्ट्री ऑफ आर्ट मतलब कला का इतिहास, यही हम लोग को बताया जाता है कि हमें कला का जो इतिहास है वो पढ़ना है। जैसे कोई भी चीज़ होता है, जैसे इंग्लिश ही है, तो हम लोग इंग्लिश का हिस्ट्री जानते हैं कि हिस्ट्री में इंग्लिश लिटरेचर कैसे फ्लरिश किया, ठीक उसी तरह से हिस्ट्री ऑफ आर्ट में हम लोग आर्ट का हिस्ट्री जानते हैं कि आर्ट कैसे फ्लरिश किया,
स्टोन एज में कैसे आर्ट होते थे, फिर IVC में कैसे आर्ट हुआ, फिर मॉडर्न पीरियड में कैसे आर्ट है, गुप्त पीरियड में कैसे आर्ट हुआ, फिर अभी करेंटली क्या आर्ट चल रहा है, फिर इंडिया के आर्ट्स के आर्ट के बारे, फिर इंडिया के बाहर के आर्ट्स के बारे। आर्ट्स कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि कला सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में, ये जो है वो फोक आर्ट है, फोक डांस है, फोक पेंटिंग्स है, फिर आर्किटेक्चर है, इन सभी चीज़ों को इसमें पढ़ाया जाता है। आर्किटेक्चर जो है उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, स्तूप आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, पिरामिड आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, फिर हमें इसमें लिविंग कल्चर्स भी पढ़ाया जाता है। मतलब जैसे ये कोर्स जो है वो BHU के अंदर परस्यू करवाया जाता है, इसलिए हमें बनारस के लिविंग कल्चर्स को पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट में पूरे 6 सेमेस्टर इसी सब के बारे में चर्चा करवाया जाता है हमें, और इसके बारे में डिटेल स्टडी करवाया जाता है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है UPSC का कितना पोर्शन कवर करता है, अगर लोग जैसे कि खासकर BA आर्ट्स और सोशल साइंस में खासकर छात्र आते हैं, एक ऐसे तबके से आते हैं जिनको सिविल सर्विसेज में जाना पसंद होता है, तो उसके ही प्रिपरेशन से अपनी स्टडी को जोड़ते हैं कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए ताकि मैं कुछ पोर्शन मेरे कवर हो जाए। ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी पोर्शन लेता है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेता है। आपका सब्जेक्ट कितना पोर्शन कवर करता है UPSC एग्जामिनेशन में? UPSC में मोस्टली कहें तो ये आर्ट एंड कल्चर का ही मोस्टली पार्ट आता है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में जो UPSC के स्टूडेंट्स नितिन सिंघानिया से के बुक से पढ़ते हैं, वो सब चीज़ हमें इसी 3 साल के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर हो जाता है एक तरह से इस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये रेगुलर क्लासरूम सुविधा है क्या BHU में? हाँ, क्लासेस रेगुलर होते हैं और अटेंडेंस भी रेगुलरली लिया जाता है, यदि नहीं लिया जाता तो उसके लिए पेनल्टी भी भरना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट बच्चे चाहेंगे कि हम क्लास ना करें तो वो उनका ही डिफ़िकल्टी बढ़ाएगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ आर्ट का एक क्लास भी मिस होता है तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें हमें विजुअल्स के द्वारा ही समझना होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही सब कुछ है हिस्ट्री ऑफ आर्ट में। हिस्ट्री ऑफ आर्ट की बातें कर रहे हैं तो ये जो आर्ट आपको दिखाए जाते हैं कैसे दिखाते हैं, किस माध्यम से, मीडियम क्या होता है क्लासरूम में पढ़ाने का, क्या चीज़ें दिखा करके पढ़ाते हैं वो? ये इसका मीडियम जो है, हमें एक भी क्लास ऐसा नहीं लिया जाता है जिसमें हमें प्रोजेक्टर पे पढ़ाई नहीं होता है, इसमें सारा कुछ प्रोजेक्टर्स पर ही पढ़ाया जाता है, इसके साथ साथ हमें फिजिकली भी दिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल BHU में ही भारत कला भवन है, तो यहाँ म्यूज़ियम है, ये तो म्यूज़ियम में जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके थ्रू भी हमें स्टडी करवाया जाता है, कि जैसे कोई स्कल्पचर है तो उस स्कल्पचर के पास हमें ले जाया जाता है और बताया जाता है कि ये किस शैली में बना है, ये कौन सा मार्बल, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें, गढ़वाल शैली है तो उसका क्या फीचर्स है, वो हमें फिज़िकली इंटरेक्ट करवा के ही। फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है इस सब्जेक्ट का, अगर कोई ले करके इस सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ता है, समय देता है, तो इससे इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, वो क्या बन सकता है? फ्यूचर में मोस्टली ये जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा फेमस नहीं है, तो इसे कम बच्चे ही करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा आपको इसका इम्पोर्टेंस दिखने लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सब्जेक्ट है वो आर्ट हिस्टोरियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, फिर कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से म्यूज़ियम में जो कंजर्वेशन होता है एवं लेवलिंग जो होता है ये सब आर्ट हिस्टोरियन ही करते हैं, फिर क्यूरेटर, ये भी क्यूरेटर भी बना जाता है, फिर इसके बाद इसमें प्रोफेसर भी बनते हैं, क्योंकि आर्ट हिस्ट्री बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो बहुत कम लोगों में पढ़ा। जो भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने आता है एक्चुअल में वो कौन होता है, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई अन्य? क्या क्लासेस रेगुलरली चलती हैं, कौन चलाता है इनको? हमें असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स एवं रिसर्च स्कॉलर के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। रिसर्च स्कॉलर को इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुछ जान चुके होते हैं उस सब्जेक्ट के बारे, जो बहुत लिमिटेड है, और इसलिए हमें इन लोगों के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा पूरा एक सब्जेक्ट का रिव्यू, और कोई भी चीज़ें छूटी हो तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कमेंट पे चर्चा करेंगे और दूसरा MA हिस्ट्री ऑफ आर्ट HOA का सिलेबस लेकर के आएंगे, थोड़ी सी हेल्प आपकी करेंगे, आप थोड़ी सी हेल्प हमारी करिएगा कमेंट के माध्यम से, छूटी हुई चीज़ों को अवगत कराइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।